पिछले समा चौरासी तो बड़ा खतरनाक माहौल पैदा होया। इस पंजाब के अंदर ऐसी अग मची, नौजवान बच्चों से अत्याचार होया, धिया भैनों से अत्याचार होया। तो जिहड़े भी उम्र कैदा कट रहे ने, सजावां भोग रहे, उन्होंने रिहा करना उन्हां दा फर्ज बनता सी। पंथ वसे मैं उजड़ा मेरे मन चौक नेरा। इन्हों अत्याचार ना सहारे कुछ नौजवानों ने हथियारबंद होकर सरकार के खिलाफ संघर्ष पिटिया, लड़ाई लड़ी। फर्ज बनता सी कि वह सारे उम्र भोग चुके कैदियों को रिहा कर दिए, भावें सिख ने, भावें मुसलमान ने, भावें हिंदू ने। जिन्हिया सरकार के अनुसार सज़ा बनती सी, वह अपन सजावं पूरिया कर चुके ने। पिछले कई दहाकों तो वक्ख-वक्ख जेलों के बंद बंदी सिंघां की रिहाई करवाउण दे वास्ते अज समराला दे विच सिख जथेबंदियां दे वल्लों भुख हड़ताल दे उपर बैठ रोस दा प्रगटावा किया गया है। जी हाँ, समराला सोशल वेलफेयर सोसायटी के प्रधान नीरज सिहाला अते वक्ख-वक्ख सिख जथेबंदियां दे नाल संबंध रखते हुए भाई सुखविंदर सिंह भगवानपुरा, भाई गुरप्रीत सिंह खालसा, जथेदार सुजान सिंह मंजाली, भाई गुरदीप सिंह करखणा अते खेड प्रमोटर कुलदीप सिंह उंटाला अते नाल ही उन्हां दे गुरमीत सिंह ढींडसा ने कहा है कि जेलां दे विच बंद ज़्यादातर बंदी सिंह सजावां तो भी ज़्यादा समा जेलां दे विच लंघा चुके ने, इस लई हुण उन्हां नूं रिहा कर देना चाहीदा है। पिछले समा चौरासी तो बड़ा खतरनाक माहौल पैदा होया। इस पंजाब के अंदर ऐसी अग मची, नौजवान बच्चों पर अत्याचार होया, धियां भैनों पर अत्याचार होया। जिहड़ा भी सिख नौजवान सी उहनूं फड़ के जां मारिया जां जेलां च बंद करिया जांदा सी। इहनूं अत्याचार नूं ना सहारदे कुछ नौजवानों ने हथियारबंद हो के सरकार के खिलाफ संघर्ष पिटिया, लड़ाई लड़ी। उहदे संदर्भ विच कुछ नौजवान मारे गए, जिहड़े बच के जेलों के बंद ने, जिहड़े जिन्हां सरकार के अनुसार सज़ा बनती सी वो अपन सजावं पूरी कर चुके ने। इस करके कानूनी तौर पर हक आ भी वो अपने घर आके अपने परिवार में रह सकन। इस तों अलावा इन्होंने यह भी कहा है कि बंदी सिंघां नूं रिहा ना करना भी मनुखी अधिकारों की शरेआम उलंघना है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह उस सिद्धांत पर भाई जगतार सिंह जी हवारा, भाई बलवंत सिंह जी राजोआणा, भाई जगतार सिंह जी तारा, ये नौजवान वीर तुरे तो इन्होंने अपनिया जवानी जिंदगी काल कोठली गुजारी, घर काट बर्बाद हो गए। पर अज इस कौम का फर्ज बनता है कि इन्हां दे लई हादा नारा मारीे। दास दे मन विच ये विचार आए, मेरे रब वर्गे भरावां दे नाल विचार कीती, भुख हड़ताल ते बैठण दा फैसला कर लिया, तो वीरां ने सहयोग दिता, तो सिख संगत ने सहयोग दिता। पहला ये सीगा भी 8 to 8:00 तक एक दिन की होगी, पर हुण गाहां सिख संगत ने हामी ओढ़ दिया भी असीं बैठांगे। तुहाडा कल्यां दा प्रोग्राम नहीं, ये पंथक प्रोग्राम है। तो जिन्हां वीरां ने आके अपने नौ लिखवाए ने ते सहयोग दिता, उहदे विच मोहतपुर शख्सियतां साढ़े सियासी ते धर्मक आगू भी आके गए ने। इस मौके ते आगुआं ने कहा है कि यह धरना सरकार दे कन्नां तक अपनी आवाज़ पहुँचदी करन दे वास्ते लगाया गया है, जो कि इसे तरह दे नाल चलदा रहेगा जदों तक इंसाफ नहीं मिलता। भारतीय हुकूमत वालों श्री अकाल तख्त साहब ते होर गुरद्वारियां दे उपर अटैक होया, उस अटैक दी गलती कांग्रेस सरकार ने जदों प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने सी उस वेले कांग्रेस हुकूमत वालों इस नूं गलती मानदे हुए मुआफ़ी मंगी सी। मतलब उन्होंने यह आख्या सी भी साढ़े कोल बहुत वड्डी गलती हुई आ, तो उस तो बाद उन्हां दा फर्ज बनता सी भी जिहड़ी उह गलती हुई आ, गलती दे दौरान जिहड़े मजबूरी बस सिखां नूं हथियारबंद होना पिया, तो फिर वह जेलां दे विच ने उस हथियार चुकण दी वजह दे करके वो जेलां दे विच अजाई ही अपनी जिंदगी रोल रहे ने। तो उन्हां दा फर्ज बनता सी कि उस गलती दे दौरान जिन्हां नूं भी नुकसान पुज्जिया वा, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਸ।